चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दंगा शुरू हुआ था और मेरे साथ मेरे अब हुआ था। उसके बाद मैं रिपोर्ट भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर रिपोर्ट करेगी तो हम तुझे मार देंगे, अपने पति से बताएगी तो वो तुझे छोड़ देगा। इस तरह की उन लोगों ने धमकी दे रखी थी। उसके बावजूद भी मतलब मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तू इतनी घबराई हुई क्यों है, डरी हुई क्यों है, क्या बात है, कुछ तो है। मैंने कहा, फिर मैंने उनसे सारी बात बताई कि मेरे साथ में उन लोगों ने इस तरह से दंगे में रेप किया। मैंने कहा किसी से मत बताना वरना हमारी बदनामी होगी, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। फिर मुझे पता चला कि कुछ औरतों के साथ में भी रेप हुआ था दंगों में, उन्होंने भी रिपोर्ट कराई है। मैंने सोचा मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कैंप से ही एक चिट्ठी लिखी थी थाना फुगाना को, डाक खाने से भेजी थी। चिट्ठी के लिखने के बाद भी 5-6 महीने तक भी मेरे पास कोई प्रशासन या कोई पूछताछ के लिए नहीं आया। जब कोर्ट में हमारी गवाही चल रही थी मुजफ्फरनगर कोर्ट में, तो मुलजिमों के वकील भी मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते थे। मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सवाल पूछते थे कि तू एक चरित्रहीन औरत है, गलत औरत है, इस तरह के मुझसे सवाल करे। तेरा घर किधर है, घर का मुँह किधर है, गेट किधर है, गली किधर है, खेत खेत कितने बड़े बड़े थे, जिस खेत से आप भाग रहे थे वो उनकी चौड़ाई लंबाई क्या थी। मैंने कहा मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रही थी, मैं खेत थोड़े ही नाप रही थी कि खेत कितने चौड़े हैं, लंबे हैं। तो मतलब इस तरह से मैं परेशान किया गया। 4-4, 5-5 घंटे तक मुझे कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा। वो आए और एक दो बात करी और फिर कि हमारी फला उसमें तारीख है, फला कोर्ट में हमारा वो है, ट्रायल चल रहा, इस तरह की बात। 8-9 महीने तक तो मेरे बयान चले मुजफ्फरनगर कोर्ट में, 8-9 महीने तक ही मेरे पति के बयान चले। मतलब हमें इस तरह से टॉर्चर किया गया, धमकियां दी गई। केस हमारा फाइल होने के बाद हमें मुलजिमों ने धमकी दी कि आपको मार देंगे, केस वापस ले लो, पैसे ले लो। फिर हमें ये अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। इस बीच हम दिल्ली रहे 3 साल, वहाँ से फिर हम वापस आए। बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो गई, बच्चे जैसा यहाँ से पढ़ रहे थे दिल्ली गए, वहाँ से फिर शुरू से कर दिया। फिर वहाँ से हमारा कई महीने तक केस चला, उस बीच में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर कोरोना में बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। कब सुप्रीम कोर्ट का आपने रुख किया कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हमारे यहाँ पे नीचे सुनवाई नहीं हो रही है? 2016 में हमारा केस फाइल हुआ था यहाँ पे। तो मैंने चिट्ठी भेजी थी, उसके बावजूद भी मेरे पास कोई नहीं आया। और ये सब कुछ लोग जो मुजफ्फरनगर कोर्ट है, सभी उन लोगों के दबाव में है, वकील भी उन लोगों के दबाव में है, कोर्ट भी उन लोगों के दबाव में है, इसलिए मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आपकी सबसे बड़ी हिम्मत क्या रही कि आज जिसने आपको हिम्मत दी है कि मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए अपने उसके लिए? मुझे हिम्मत मेरे पति से मिली। और मेरे साथ गलत हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि किसी और के साथ भी गलत हो। और मैं अपनी मतलब जो भी माँ बहनें हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़ाई हो, जो भी पीड़ित मतलब जो भी है उनके साथ में कुछ भी है, उसके लिए लड़ो तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कोर्ट का जो ट्रायल था, जो कोर्ट की जजमेंट की जो स्पीड थी, क्या वो सही तरीके से चल रही थी या
जज कोर्ट की स्पीड तो इस तरह से चल रही थी कि मैडम वहाँ से आती थी, हमारा मैडम का पूरा हो जाता था बहस, और वो आते थे कि हम आए तो मैं तो डेट दे दो। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि मैडम का पूरा हुआ और उनका नंबर आया, जज का ट्रांसफ़र हो गया, पता नहीं कितने जज का ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैडम ने जो जो एक जज का वहीं पर ट्रांसफ़र हो गया था दूसरी कोर्ट में, मुजफ्फरनगर कोर्ट में, तो मैडम ने फाइल वहीं पर ट्रांसफ़र कराई। ट्रांसफ़र में भी कितना टाइम लगा, 8-10 दिन लगे। उस ट्रांसफ़र के बाद भी वहाँ पे डेट आई, वहाँ से फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया जज का। अच्छा, देखा जाए महिला को हमेशा कमज़ोर माना जाता है कि ये महिला ही हमारा क्या कर ले। क्या उस तरीके से कभी कोर्ट में आपकी उनके साथ कुछ कमेंट्स वगैरह हुई है, उन लोगों ने कुछ जो आरोप प्रत्यारोप? कोर्ट में तो उन लोगों से मेरी कोई बात नहीं, मैं तो उनकी तरफ देखती भी नहीं थी, मैं तो एक एक साइड में रहती थी। पर जो डर था, अब भी मुझे बहुत डर है उनसे, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, शायद ही मैं कभी बोल पाऊँ। बीमार रहती हूँ जब से ही, मैं तो बहुत मुश्किल से ही बोल पाऊँगी। अपनी अपनी हिम्मत में खुद हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दंगे के दौरान मेरे साथ में मुझे पकड़ा था, मेरे बच्चे को टारगेट बनाया, मेरे बच्चे को चाकू और मतलब कुछ हथियार रख के मुझसे कहा, ज़बरदस्ती मुझसे बारी बारी से वो लोग रेप करते रहे। मैं उस चीज़ को मतलब देखते हुए इस मुझ में हिम्मत बहुत थी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए मतलब किस तरह से कुछ भी कर सकती है। जो डर था वो खत्म हो गया। वो डर था, डर तो है अब भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब उन्हें जिस तरह से मेरे साथ में ये 10 साल गुजरे, उन्हें भी इस चीज़ का पता चले, सज़ा मिले उन लोगों को। अच्छा, आगे आप क्या चाहते हो, क्या देख रहे हो आप, किस तरीके से चीजें होनी आगे चाहिए? में जो मेरा आने वाला टाइम ख़राब हुआ है, मेरे बच्चों की पढ़ाई का, मेरे कारोबार का, आगे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जिस तरह से मतलब पढ़ें और आगे बढ़ें। अपने बच्चों के बारे में चाहती हूँ कि बस